तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों ने हॉकिंस कुकर का नाम सुना होगा तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से एफडी में निवेश करने का मौका लेकर के आई है और इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ काफी अच्छा रिटर्न भी आप लोगों को दे रही है। 10.75% तक का रिटर्न देने का दावा कर रही है। अगर दोस्तों आप लोग इसे बैंकों की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की एफडी से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 2-3% ज्यादा का रिटर्न जो कि मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये किस तरह का प्लान है इनका, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है और हॉकिंस कुकर के पिछले निवेश में किस तरह से लोगों को फायदा हुआ, लोग संतुष्ट हुए कि नहीं, और साथ में यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। और ये 10.75 तक का इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न आप लोगों को किस तरह से दे रही है, सारी चीजें मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके अगर आप लोग कहीं एफडी में सही तरीके से रिटर्न पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं द इंडियन फ्यूचर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हॉकिंस कुकर की सारी जानकारियां निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर निवेश की बात आती है तो हम कंपनी के बैकग्राउंड को जरूर जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हॉकिंस कुकर के एस्टैब्लिश की बात करें तो 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था और दोस्तों इसने पिछले भी रिकॉर्ड से काफी अच्छे रहे, अभी तक इस पे कोई भी बैंक करप्शन का इल्जाम नहीं आया, फिर किसी भी तरह से करप्ट नहीं हुई है कंपनी और ये कंपनी कई देशों में काम कर रही है। तो ये काफी रिप्यूटेटिव और काफी भरोसा करने लायक कंपनी है, अगर आप लोग निवेश करना चाहते हैं तो ये बात आप लोग को जानना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने सीबी का नाम सुना होगा और यहाँ पे आप लोगों ने SBI का नाम भी सुना होगा, तो यहाँ पे इन लोगों का पूरा मतलब हस्तक्षेप है, तो यहाँ पे आप लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके निवेश की बात कर लेते हैं। तो निवेश की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को दो तरीके से निवेश करने का मौका मिलता है, एक तो क्यूमुलेटिव और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। अगर दोस्तों इनके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग 12 महीने के लिए एफडी करना चाहते हैं तो 10.25 तक का रिटर्न ले सकते हैं, वहीं पे अगर 24 महीने के लिए करना चाहते हैं तो 10.50 यानी कि 10.50, और वहीं पे अगर आप लोग 36 महीने के लिए करना चाहते हैं तो 10.75 तक का यहां से रिटर्न निकाल सकते हैं। और यहां पे दोस्तों अगर मिनिमम निवेश की बात करें तो यहां पे आप लोग 25,000 से नीचे तक का निवेश नहीं कर सकते, 25,000 से ऊपर तक का पूरा निवेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहां पे अगर टैक्स की बात करें तो यहां पे आप लोग अगर टैक्स के दायरे में आते हैं, यहां पे निवेश करते हैं, तो आप लोगों को यहां पे भरना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप लोग को यहां पे निवेश करना है। तो दोस्तों निवेश की बात करने से पहले आप लोग को बता दूं कि कंपनी ने पहले भी एफडी के साथ निवेश करने के ऑप्शन लाए हैं, लोग काफी यहां पे संतुष्ट हुए हैं इसके साथ और काफी अच्छा रिटर्न भी अपने लेकर के गए हैं, यहां पे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है अगर यहां पे लोग निवेश करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आप लोग को निवेश कैसे करना है। तो दोस्तों निवेश करने के लिए आप लोगों को ऑफलाइन एक फॉर्म मिलेगा, आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, आप लोग जाकर के hawkinscooker.com के वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को मैंने नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो आप लोग वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो फिर आप लोगों को इन चारों पेज को, यहाँ पे चार पेज का फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, दो पेज में आप लोगों को पूरा ब्यौरा क्या क्या प्लान है, किस तरह से इंटरेस्ट प्लान है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, सारी चीजें आप लोगों को वहां पे लिखी हुई मिलेंगी। फिर आप लोग इन दोनों फॉर्म को फिल करेंगे, इन चारों को अटैच करके सेंड करेंगे पूरा भरने के बाद, और आप लोगों को भरने से पहले इनकी कॉपी लेकर के अपने पास रखनी है। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल क्या भरनी पड़ेगी, आप लोगों का पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, आप लोगों का जो भी नॉमिनी वगैरह है उसकी डिटेल होनी चाहिए, आप लोगों के पास चेक होना चाहिए या फिर आप लोग जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों को सारी चीजें भर करके इस फॉर्म को फिल करके एक बक्से में कैद करके आप लोगों को एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा, जो कि अगर आप लोग फॉर्म खोलेंगे तो सबसे पहला एड्रेस ही आप लोगों को वहां पे दिखेगा, तो उस एड्रेस पे ही आप लोगों को इस फॉर्म को सेंड करना है। और आप लोग को उसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि भैया इस बैंक से है, सारी बैंक की डिटेल आप लोग उस फॉर्म को देखेंगे तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। आप लोग साइड स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, आप लोग को यही सारी चीजें वहां पे आप लोग को फॉर्म में भी मिलेंगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं जिससे कि आप लोग को चीजें समझ में आए, क्योंकि ऑफलाइन है और हमें पैसा सेंड करना है। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को रिटर्न और सारी चीजें बिल्कुल सेबी और SBI से सिक्योर है, तो यहां पे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ में यहां पे अगर ये पैसा आप लोगों से लेगी तो अपने ही कंपनी में निवेश करेगी, बाकी और कहीं निवेश नहीं करेगी, अपने ही कंपनी को आगे बढ़ाएगी, और कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उस हिसाब से आप लोगों को इन्होंने रिटर्न फिक्स करके रखा है, उसी हिसाब से आप लोगों को रिटर्न देगी। तो फिलहाल दोस्तों यही सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आप लोगों को फॉर्म भरना है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डिटेल्ड भी है, पूरी हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा।
क्लिक करके। और बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर वो भी निवेश करना चाहते हैं एफडी में और अच्छा रिटर्न चाहते हैं एक सिक्योर तरीके से, तो यहां से वो निवेश करके निकाल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, तो हमारी इस तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िए अगर कोई क्वेश्चन है तो। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। जय हिंद।